आइए अब एक उदाहरण लेते हैं उस अभिक्रिया का जो कि क्षारीय माध्यम में हो रही है। यहाँ पर दिया गया है क्षारीय माध्यम में परमैंगनेट आयन ब्रोमाइड आयन की अभिक्रिया से Mn 4 प्लस आयन तथा बोरेट आयन BrO3 माइनस आयन बनने की क्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। तो पुनः यहाँ पर सबसे पहले स्टेप वन में हम सभी अभिकारकों तथा उत्पाद का सही सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे परमैंगनेट आयन, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट में से पोटेशियम के परमाणुओं को हटा दें तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो होगा परमैंगनेट आयन, और इसका सूत्र होगा MnO4- जो कि एक्वस माध्यम में है। इसके बाद यहाँ पर इसकी क्रिया हो रही है ब्रोमाइड आयनों से, यानी कि यहाँ पर होगा Br- एक्वस। इनकी क्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है तथा बनने वाले जो आयन हैं वह हैं MnO2 तथा BrO3 माइनस। तो इस तरह से यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड बन रहा है और यहाँ पर बोरेट आयन हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर हमने इनका सही सूत्र लिख लिया है। अब इसके बाद स्टेप टू में हमें ये पता करना है कि किस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन। तो यहाँ पर हम देखें दोनों जो हमारे अभिकारक हैं यानी कि मैग्नीज आयन और यहाँ पर ब्रोमीन, इन दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। तो हम यहाँ देखें MnO4- में जो Mn है वह चार ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है और जिसमें कि एक जो ऋण आवेश है वह शेष है। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नीज यहाँ पर प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दूसरी ओर यह परिवर्तित होकर MnO2 बना रहा है जिसमें कि मैग्नीज दो ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है और इसलिए यहाँ पर मैग्नीज प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। दूसरी ओर जो ब्रोमाइड आयन है जो कि Br- है जिस पर एक नेगेटिव चार्ज है यानी कि वह अपनी माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है तथा यह परिवर्तित होकर बना रहा है बोरेट आयन यानी कि BrO3- आयन। अब यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो तीन ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है तथा ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब यह है कि ब्रोमीन ने यहाँ पर ऑक्सीजन के पांच ऋणावेशों को संतुलित किया है और इस तरह से ब्रोमीन यहाँ पर प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो अब यहाँ पर हम देखें कि मैग्नीज प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है यानी कि यहाँ पर इसका हो रहा है अपचयन, यानी कि यहाँ पर यह एक ऑक्सीकारक की भूमिका में है। दूसरी ओर जो ब्रोमाइड आयन है Br- से ये प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है यानी कि यहाँ पर हो रहा है इसका ऑक्सीकरण, यानी कि यह स्वयं यहाँ पर अपचायक की भूमिका में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब जो तृतीय स्टेप होगा उसमें हमें ये देखना है कि जो ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया हो रही है उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह उसमें कितनी कमी या कितनी वृद्धि हो रही है। पहले हम ये जानेंगे और उसके बाद इस कमी और वृद्धि को हम समान बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीज की है वह उसमें प्लस सेवन से या प्लस फोर में जा रहा है यानी कि इसमें प्लस थ्री की कमी आ रही है। दूसरी ओर जो ब्रोमाइड है वह माइनस वन से प्लस सिक्स में जा रहा है यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में सिक्स पॉइंट की वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पर हमारे पास है एक में तीन की कमी हो रही है, दूसरे में छः की वृद्धि हो रही है। तो बड़ी आसानी से तीन में यदि हम दो का गुणा कर दें तो दोनों तरफ जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो बराबर हो जाएंगी या जो कमी और वृद्धि है उसमें वो बराबर हो जाएंगी। तो इस तरह से हम जो मैग्नीज है उसके सामने दो का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर जो MnO4- है उसमें हम दो का गुणा करेंगे, साथ ही साथ जो MnO2 है उसमें भी हम दो का गुणा करेंगे, जबकि ब्रोमाइड तथा बोरेट आयनों के सामने हम किसी भी संख्या का गुणा नहीं करेंगे। और इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीकरण संख्या में कमी और वृद्धि हो रही थी उसे हमने संतुलित कर लिया है।
अब अगला स्टेप हम जानते हैं, हमें करना है आवेशों का संतुलन। तो पहले भी हम याद दिला दें कि यहाँ पर अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है और इसीलिए आवेशों का संतुलन करने के लिए हमें OH- आयनों का उपयोग करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें आवेश अभिक्रिया में जो है वो बाईं ओर और दाईं ओर आवेश कितने हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जो MnO4- है उसके ऊपर दिया हुआ है एक नेगेटिव चार्ज, लेकिन जो इसके दो मोल है यहाँ पर टोटल आवेश हो जाएगा 2-। इसके बाद यहाँ पर है ब्रोमाइड जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और उसकी संख्या भी एक ही है यहाँ पर, इसलिए जो कुल आवेश हुआ यहाँ पर 2-+1-, यानी कि टोटल आवेश जो अभिक्रिया के बाईं ओर जो हो रहा है वो अभिकारकों की तरफ है वो है 3-। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अभिक्रिया के दाईं ओर, तो यहाँ पर हम देखें MnO2 जिस पर कोई आवेश नहीं है, शून्य आवेश है। दूसरी ओर जो बोरेट आयन है BrO3- जिस पर एक नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दाईं ओर 1- चार्ज है जबकि बाईं ओर जो आवेश है वो 3- है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो दाईं ओर यदि हम दो ऋण आवेशों की वृद्धि कर दें तो दोनों तरफ आवेशों का संतुलन हो जाएगा और इसके लिए हम यहाँ पर उपयोग करेंगे दाईं ओर 2OH- आयनों का। तो इस तरह से अभिक्रिया में जो हम यहाँ पर अब समीकरण दिख रहा है उसमें हम दाईं ओर 2 हाइड्रोक्साइड आयन OH- जोड़ देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमें संतुलित समीकरण अभी मिल रहा है वो होगा 2MnO4- BrO3- यहाँ पर Br- इज इक्वल टू 2MnO2+BrO3- 2OH-। अब यहाँ पर संतुलन की क्रिया के अंतिम स्टेप में, पांचवें स्टेप में हमें करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संतुलन। तो यहाँ पर भी हम पहले ऑक्सीजन का संतुलन करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाईं ओर ऑक्सीजन की संख्या कुल मिलाकर है, क्योंकि यहाँ पर MnO4 में 4 ऑक्सीजन है और इसकी जो अणुओं की संख्या है वो 2 है, इसलिए कुल ऑक्सीजन हो जाएंगे बाईं ओर 8। जबकि दाईं ओर हम देख रहे हैं कि MnO2 में 2 ऑक्सीजन परमाणु है लेकिन इनकी जो टोटल संख्या है वह है 2। तो इस तरह से यहाँ पर हो गए 4 और साथ ही साथ यहाँ पर जो बोरेट आयन है उसमें भी यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, साथ ही साथ यहाँ पर जो OH- है उनकी संख्या भी 2 है इसलिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से दाईं ओर कुल ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या हो गई 9, बाईं ओर 8 ऑक्सीजन है जबकि दाईं ओर 9 ऑक्सीजन है, तो बाईं ओर ऑक्सीजन की एक कमी है और इसीलिए यहाँ पर हम ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति करने के लिए हम जानते हैं कि जल के अणुओं को जोड़ा जाता है, इसलिए हम बाईं ओर एक जल का अणु जोड़ देंगे। जैसे ही हम जल का एक अणु जोड़ेंगे दोनों तरफ ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 9-9 हो जाएगी। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजनों परमाणुओं की संख्या भी अपने आप संतुलित हो गई है। यहाँ बाईं ओर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है, उसी तरफ दूसरी तरफ जो दाईं ओर जो OH- है उनकी संख्या भी 2 है जिसमें कि 2 हाइड्रोजन हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीसीज हैं, तत्व हैं, उनका भी संतुलन हो गया है, आवेशों का संतुलन भी हो गया है तथा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भी संतुलन हो गया है और इस तरह से हमें एक संतुलित रेडॉक्स समीकरण प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से जिस भी माध्यम में हमें संतुलित करने के लिए दिया गया हो, यदि अम्लीय माध्यम में संतुलन के लिए दिया गया है तो हम वहाँ पर H+ आयनों का उपयोग करेंगे और यदि क्षारीय माध्यम दिया गया हो तो वहाँ पर हम OH- आयनों का उपयोग करके हम अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। और इस तरह से इन 5 पदों के द्वारा हम आसानी से ऑक्सीकरण अंक विधि या ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा रेडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन कर लेते हैं। इसके बाद आती है दूसरी विधि जिसमें कि हम अर्ध अभिक्रिया विधि के द्वारा रेडॉक्स अभिक्रियाओं का संतुलन करते हैं और इस विधि को हमने पहले के वीडियो में अच्छी तरह से समझ लिया है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं का संतुलन सीख लेने के बाद आइए अब हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं के कुछ भिन्न भिन्न स्थानों पर होने वाले अनुप्रयोग जानते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के अध्ययन के दौरान
हमने कई बार देखा कि जहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं का उपयोग धातुकर्मी प्रक्रम में हुआ होता है, जहाँ पर हम अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर हमने देखा कि कई बार जो हैलोजन होते हैं उनसे या हैलाइड्स होते हैं उनसे हैलोजन के पृथक्करण के लिए भी इन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं का उपयोग होता है। साथ ही साथ यहाँ पर कई प्रयोगशाला कार्यों जैसे कि जिसमें कि हैलोजन तत्वों की पहचान करने के लिए इनका उपयोग होता है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे स्थान या जगह हैं जहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रियाओं का उपयोग होता है। एक है यहाँ पर रेडॉक्स अनुमापनों में, या हम कहें कि अपचयोपचय अनुमापन में इनका उपयोग होता है। और अनुमापन से हम बता दें कि अनुमापन जो प्रक्रिया होती है उसमें हम किसी एक ज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सहायता से किसी दूसरे अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन ज्ञात करते हैं, और इस प्रक्रिया का इस काफ़ी महत्व होता है। यहाँ पर हम देखें कि प्रयोगशालाओं में कई प्रकार के अनुमापन उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि अम्ल क्षार अनुमापन या रेडॉक्स अनुमापन, या फिर विशेष प्रकार की रेडॉक्स अनुमापन जैसे हम कहते हैं आयोडोमेट्री अनुमापन। तो इस तरह से जो भिन्न भिन्न प्रकार के अनुमापन हैं उनका अलग अलग स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यदि हम अम्ल क्षार अनुमापन कहें तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो अम्ल क्षार अनुमापन होते हैं उनमें एक विलयन अम्लीय होता है तथा दूसरा क्षारीय होता है, और इनके बीच जब हम क्रिया करते हैं तो जो क्रिया होती है वो उदासीनीकरण की क्रिया होती है, और इसके द्वारा हम अम्ल अथवा क्षार में से जिस किसी एक की सांद्रता जब हमें पता होती है तो उसके दूसरे विलयन की सांद्रता हम उसकी सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ विशेष प्रकार के सूचकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि फिनाफ्थलीन सूचक, मेथाइल ऑरेंज सूचक, जो कि अंतिम बिंदु पर यानी कि जैसे ही अम्ल और क्षार के बीच की क्रिया पूर्ण होती है उस समय अंतिम बिंदु पर अपने रंग में परिवर्तन कर अभिक्रिया की पूर्णता की सूचना देते हैं। और इसके बाद सांद्रता जिसकी एक विलयन जिसकी हमें ज्ञात होती है इसकी सहायता से हम अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर हम देखें कि चूंकि यहाँ पर जो अम्ल क्षार अनुमापन होते हैं उसमें पीएच में परिवर्तन होता है, इसीलिए यहाँ पर पीएच संवेदी सूचकों का उपयोग किया जाता है। और ये जो पीएच संवेदी सूचक होते हैं वो होते हैं मिथाइल ऑरेंज या फिनाफ्थलीन इत्यादि। दूसरी ओर यदि हम रेडॉक्स अनुमापन की बात करें तो रेडॉक्स अनुमापनों का भी बहुत अधिक महत्व है, तथा चूंकि यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है और इसीलिए यहाँ पर जो अभिकारक विलयन उपयोग में लाए जाते हैं उनमें एक अभिकारक का जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे विलयन का यहाँ पर अपचयन होता है, यानी कि एक विलयन यहाँ पर ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है तो दूसरा विलयन यहाँ पर अपचायक की तरह कार्य करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो चूंकि रेडॉक्स अभिक्रिया होती है इसीलिए जो क्रिया की पूर्णता की सूचना देने के लिए जो संसूचक उपयोग में लाए जाते हैं वो रेडॉक्स संवेदी होते हैं। और इस तरह से हम देखें कि जो रेडॉक्स संवेदी संसूचक होते हैं तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो अभिकारक विलयन हमने लिए हैं उनमें से कोई एक अभिकारक ही स्वयं ही अंतिम बिंदु पर अपने रंग में परिवर्तन करके अभिक्रिया की पूर्णता की सूचना देता है, और इस प्रकार के जो संसूचक होते हैं उन्हें हम सेल्फ इंडिकेटर या स्वयं सूचक कहते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है पोटेशियम परमैंगनेट। आप जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो पर्पल कलर का, उसका विलयन जो बैगनी कलर का होता है, और यह एक स्वयं सूचक की भांति कार्य करता है और अंतिम बिंदु पर अपने रंग में परिवर्तन करके यह अभिक्रिया की पूर्णता की सूचना देता है।
उदाहरण के लिए जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के कोई अज्ञात सांद्रता का विलयन लेते हैं और इसकी क्रिया जब हम ज्ञात सांद्रता वाले ऑक्सैलिक अम्ल के साथ कराते हैं, क्योंकि ऑक्सैलिक अम्ल के साथ भी पोटेशियम परमैंगनेट की जो क्रिया होती है वह ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है। इसी तरह से फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ भी जो पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया होती है वह भी रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अतः इनके बीच होने वाली जो रेडॉक्स अभिक्रिया है उसका उपयोग हम अनुमापन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लें कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वह उसमें जो मैग्नेट आयन है वह MnO4- होगा, जिसमें कि मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +7 और यह जब क्रिया समाप्त हो जाती है, क्योंकि यह एक ऑक्सीकारक है और इसलिए यह स्वयं अपचयित होता है और यह बनाता है MnO और जिसमें कि मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2। साथ ही साथ जो यह क्योंकि ऑक्सीकारक है इसलिए जो ऑक्सैलिक अम्ल है यहाँ पर ऑक्सैलेट आयन C2O4-, इनको यह ऑक्सीकृत करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर हम देखें जो ऑक्सैलेट आयन है उसमें जो कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3, जबकि यह परिवर्तित होता है कार्बन डाइऑक्साइड में जिसमें कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है ऑक्सैलिक अम्ल को ऑक्सीकृत करता है तथा स्वयं अपचयित हो जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर ब्यूरेट में जब इनके बीच हम अनुमापन करते हैं तो ब्यूरेट में लेते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात नहीं होती है। दूसरी ओर जो कॉनिकल फ्लास्क होता है उसमें हम लेते हैं ऑक्सैलिक अम्ल का ज्ञात सांद्रता का विलयन, साथ ही इसमें कम से कम 3 से 4 जो ml हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी डाल देते हैं ताकि अभिक्रिया जो हो यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करे और माध्यम जो है वह अम्लीय बन जाए। साथ ही साथ ये जो कॉनिकल फ्लास्क में अभिक्रिया मिक्सचर है उसको हम लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो ऑक्सैलिक अम्ल है वह एक कार्बनिक अम्ल है और कार्बनिक अम्ल की जो क्रिया होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्रिया होती है वह धीमी गति से होती है। तो क्योंकि इसमें बहुत सारे बंध होते हैं, पहले वो टूटते हैं फिर नए बंध बनते हैं, तो उसमें समय लगता है, इसलिए अभिक्रिया को तीव्र करने के लिए हम यहाँ पर अभिक्रिया मिश्रण को कुछ गर्म करते हैं। अब इसके पश्चात जैसे ही हम इस अभिक्रिया मिक्सचर में यानी कि जो ऑक्सैलिक अम्ल का हमारा अम्लीय माध्यम में जो सॉल्यूशन है उसमें हम जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट को डालना शुरू करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का होता है, बैंगनी रंग का होता है, यह यहाँ पर स्वयं अपचयित होता जाता है और जैसे ही वो अपचयित होता है वो MnO में कन्वर्ट होता है जो कि रंगहीन होता है। इसलिए बैंगनी कलर का विलयन जब कॉनिकल फ्लास्क में जाता है तो उसका रंग उड़ता जाता है, वह रंगहीन होता जाता है। और इस तरह से जब धीरे धीरे पूरा जो कॉनिकल फ्लास्क में उपस्थित जो पूरा ऑक्सैलिक अम्ल का निश्चित मात्रा का विलयन है जब वो पूरी तरह से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके पश्चात अब चूँकि यहाँ पर अब पोटेशियम परमैंगनेट हम जब डालते हैं तो उसका अपचयन नहीं हो पाता है और इसलिए इसके बाद जैसे ही एंड पॉइंट आता है उसके बाद यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट की अति सूक्ष्म मात्रा भी उस विलयन में डालते हैं, ये मात्रा 10^6 mol/L या उससे कम हो सकती है, इतनी कम मात्रा भी जब पोटेशियम परमैंगनेट की उस विलयन में जाती है तो विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का अपचयन नहीं हो पाएगा क्योंकि जो अपचायक ऑक्सैलिक एसिड था उसकी मात्रा समाप्त हो चुकी है। और इस तरह से हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट अंतिम बिंदु पर अपने रंग में परिवर्तन करके अभिक्रिया की पूर्णता की सूचना देता है। इसी प्रकार का अनुमापन हम फेरस अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम परमैंगनेट के बीच भी करते हैं। इसके बाद हम लेते हैं एक उदाहरण बाह्य सूचकों का।
ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो स्वयं सूचक ही या जो अभिक्रिया में से एक जो विलयन है, अभिकारक है, वही अपने रंग में परिवर्तन करके अभिक्रिया की पूर्णता की सूचना दे। कई बार हमें बाह्य सूचकों का उपयोग भी करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया किसी अपचायक से कराते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि स्वयं एक ऑक्सी कारक है, जब इसकी क्रिया या इसका अनुमापन किसी अपचायक विलयन के साथ हम कराते हैं, तो वहाँ पर हमें बाह्य सूचक का उपयोग करना होता है। और ये जो बाह्य सूचक होता है वो होता है डाइफिनाइल एमीन। डाइफिनाइल एमीन रंगहीन होता है और यहाँ पर जब हम अभिक्रिया करते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का विलयन हम ब्यूरेट में ले लेते हैं और कॉनिकल फ्लास्क में हम अपचायक पदार्थ जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात करनी होती है उसे हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर जब हम विलयन में पहले से ही हम सूचक जो डाइफिनाइल एमीन है उसे डाल देते हैं, अब ये विलयन रंगहीन होता है। जैसे जैसे यहाँ पर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को डालते हैं तो यहाँ पर क्रिया होती रहती है, और चूंकि यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सी कारक है तो यह स्वयं अपचयित होता जाता है और जो विलयन है वह रंगहीन होता है। लेकिन जैसे ही अभिक्रिया पूर्ण होती है, यानी कि जो कॉनिकल फ्लास्क में उपस्थित जो अपचायक है वह पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो जाता है, तो उसके बाद जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वह अब वहाँ पर उपस्थित जो सूचक है डाइफिनाइल एमीन उसको ऑक्सीकृत करता है। और जैसे ही डाइफिनाइल एमीन का ऑक्सीकरण होता है जो विलयन है वह नीले रंग का हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है, यानी कि जो कॉनिकल फ्लास्क में अपचायक विलयन हमने लिया था उसका पूरी तरह से ऑक्सीकरण हो गया है। तो इस तरह से हम देखें कि रेडॉक्स अभिक्रिया में हम बाह्य सूचकों का उपयोग करके भी अभिक्रिया की पूर्णता की सूचना प्राप्त करते हैं।